तो चलिए आज ये आप क्या देख रहे हैं ना यहाँ पे, आज हम आपको एक ऐसी शानदार रेसिपी दिखाने जा रहे हैं जो आपने पहले कभी भी नहीं देखी होगी, और इसको कहते हैं सतपड़ी पराठा, जो लंच और डिनर में बनाया जाता है। तो स्टार्ट करें आंटी। तो मैंने उसके लिए मैंने रोटी का आटा गूंथते ना ऐसे डाला है, आटा बनाया है, थोड़ा सा नमक डाला है और कुछ नहीं डाला है। ओके, तो हम एक रोटी बनाएंगे पहले। तो देखिए कितने बड़े बड़े, ये इतना टेस्टी लंच और डिनर है कि आप लोगों को भी मजा आ जाएगा इसको खाने में। और ये देखिए यहाँ पे अब हम नॉर्मल इसको बेलेंगे, नॉर्मल यहाँ पर बेलेंगे। आंटी आपको बेल के यहाँ पे दिखा रही हैं, थोड़ा डस्टिंग करेंगे। हाँ हाँ, आपका आटा से। आप सभी का स्वागत है जायका का तड़का में। हम आए हैं विद द लवली मॉम श्रद्धा आंटी के यहाँ पे आपको दिखाने के लिए ये सतपड़ी पराठा। आप देख सकते हैं, देखिए कितने आंटी ने पहले ही प्रिपरेशन कर रखी है, और इतनी टेस्टी होती है ना कि आपको मज़ा आ जाएगा। कि वी आर सो ग्लैड कि मम्मियों के संग हम यहाँ पे इतनी नई नई रेसिपी सीखने को मिल रहे हैं। तो ये रोटी मैंने बना ली है, जैसे रोटी बनाते हैं नॉर्मल वैसे ही बनाना है। अच्छा आंटी, बड़ा बड़ा बेलना है हमें? थोड़ा बड़ा बड़ी बनाई है, और नॉर्मल रोटी, नॉर्मल थिकनेस वाली। अब हम इसके लिए एक पेस्ट बनाएंगे। अच्छा, तो मैंने 6 तो बना के रख दी है। अब एक की पेस्ट के लिए मैं दिखाती हूँ, ये 1 चम्मच राइस फ्लोर है। अच्छा, चावल का आटा है, उसमें हम घी डालेंगे थोड़ा। अच्छा, और अगर चावल का आटा नहीं हो आंटी तो क्या ले सकते? नहीं, इसमें चावल का आटा का ही आसान से ही क्रिस्पी बनता है। अच्छा, क्रिस्पी बनता है। ओके, बनता है। और 1 चम्मच घी डालेंगे इसमें और थोड़ा ही लेंगे। अच्छा, और पेस्ट। हाँ, और देखिए ये पेस्ट आंटी ने ऑलरेडी ऐसे, आप आंटी इसको सतपड़ी पराठा क्यों बोलते हैं? सतपड़ी पराठा क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि मैं एक के ऊपर एक साथ रोटी डाल रही हूँ, तो वो सतपड़ी पराठा। सतपड़ी, पड़ी मीन्स लेयर। अच्छा, लेयर। हाँ, गुजराती शब्द है पड़ी। अच्छा, तो उसको सतपड़ी पराठा। और अभी हम इस बारे में बात करेंगे, आंटी के घर में इतना पसंद करते हैं ना इसको, बहुत पसंद करते हैं सब लोग। तो कभी भी कुछ होता है कि चलो अभी डाइटिंग आज तो छोड़ ही दो, पर हाँ, ये सतपड़ी पराठा एक दिन खा लें। तो डाइटिंग छोड़नी पड़ेगी, पर खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इनफैक्ट तो देखो, मैंने एकदम सब अच्छे तरह से लगा दिया है ये पेस्ट। हाँ, अभी हम एक के ऊपर एक ये मैंने बना के रख दिया है, तो ये पार्ट है हम यहाँ पे रखेंगे। अच्छा, ऐसे प्लेन वाला पार्ट, जो प्लेन वाला पार्ट है आंटी, इसके ऊपर रखेंगे। तो ऐसे एक के ऊपर एक डाल देंगे। इनफैक्ट आंटी के जो देवर हैं, हस्बैंड हैं, सभी को बहुत पसंद है आंटी, कोई बहुत ही पसंद है। अगर अच्छा लग रहा है, देखिए सारी ऐसी ट्रेडिशनल रेसिपीज हैं जो पहले बहुत बनाया जाती थी, और हम आपके सामने ये हम उल्टा रख देंगे। अच्छा, ये उल्टा रखना है, थोड़ा आटा छिड़क के डस्टिंग करके। तो देखिए मॉम्स को थैंक यू बोलिए, ये मॉम्स की वजह से हमें इतना सारी अच्छी अच्छी रेसिपीज मिली। अब हम इसको रोल करेंगे। वाह, देखिए ऐसी रेसिपी जो आपने पहले कभी नहीं देखी, सिर्फ मॉम्स ही दिखा सकती हैं जायका का तड़का में। उनको थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, लाइक शेयर करिए, बताइए श्रद्धा आंटी को थैंक यू बोलिए, कितनी मेहनत दे। थोड़ा यहाँ से दोनों साइड से प्रेस कर देंगे ताकि ये भी अच्छा आ जाए। अब इसको हम कट कर देंगे। तो 7 रोटी बेलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और इसमें से बहुत सारे पराठे बन जाते हैं। हाँ, और पूरी फैमिली का भी हो सकता है, टेस्टी बहुत लगता है। बहुत टेस्टी लगता है, और देखो इतने सारे पराठे बन गए इसमें, और ये एक भी बहुत फिलिंग होता है। एक बहुत फिलिंग हो जाता है, सारे लोग को हो जाता है। फिर अब मैं इसको ऐसा कर उल्टा करके वापस थोड़ा डस्टिंग करके और बेलूंगी। अगर अच्छा लग रहा है, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। हाँ, हल्के हाथ से देखो, सब 7 पड़ दिखते हैं, लेयर 7 पड़ी पराठा यहाँ पर आंटी आपके लिए लेके आई है। वाओ आंटी, ये तो ऑलरेडी बहुत अच्छा लग रहा है, कांट वेट टू ट्राई दिस। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, खूब सारा थैंक यू बोलिए। ये नानी दादी की रेसिपी जो लुप्त होती जा रही है जायका का तड़का में, इतनी प्यारी मॉम्स दिखाती हैं। अब मैंने तवा रख दिया है, गैस ऑन कर दिया है, उसको भी थोड़ा सा ग्रीस। और आंटी, तो चाय के संग, अचार के संग, चटनी के संग, टाइम और किसी के भी संग, अरे कभी ऐसे ही खा लो ना। हाँ, बाइट कर लो तो बिस्किट जैसा टेस्ट आ जाएगा आपका। ये बिस्किट जैसा टेस्ट लगता है इसका। आप देखिए ये रेसिपी कितनी शानदार है, और परत भी इसमें दिखती है। तो मैं आपको, जब तक ये सिक रहा है हमारा आंटी, एक और बार आप ये बेल जाएगा। नहीं, इसका लोया कैसे बना रहे? ये लोया बना है ना, आप ऐसे प्रेस कर। अच्छा, ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो इससे ये परत दिखेगी ना, पड़ी सब पड़ दिखते हैं इसके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब आपको दिखा दिया, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर कर। देखो अभी एक साइड हो गया है, ये थोड़े बबल्स दिख रहे हैं, तो हम पलटाएंगे इसको।
हाँ जी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है दीदी, वाओ देखिए। देखिए साग कढ़ी पराठा यहाँ पर, मजा आ गया देख के। अगर आपका भी मन कर रहा है तो लाइक शेयर करिए, एक दिन व्रत रख लीजिए और ये खाइए व्रत में, मजा आ जाएगा आपको, बहुत टेस्टी बहुत शानदार। और अब हम घी डालेंगे इसको, ये सेकेंड साइड भी हो गई है तो थोड़ा घी डाल के रोस्ट करेंगे। अरे वाह आंटी मजा आ गया, ये तो शानदार रेसिपी आंटी, देखिए क्या सात पड़ी पराठा, देखो ये लेयर भी हो गया है, देखिए वाओ आंटी मजा आ गया सात पड़ी पराठा देख के, एकदम क्रिस्पी क्रंची बिस्किट टाइप आपका सात पड़ी पराठा रेडी है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। आंटी को हम यहाँ पे दिखाते हैं अब आपको, थैंक यू सो मच आंटी फॉर अ वंडरफुल रेसिपी। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, बहुत मेहनत के संग ये लाइव वीडियोस आंटी दिखाते हैं तो लाइक जरूर करिएगा। मिलेंगे दोबारा, जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। बाय बाय एवरीवन।